कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सैंपलिंग के लिए जोर दिया जा रहा है और हमीरपुर जिला में सैंपलिंग के मामले में पूरे प्रदेश भर में हमीरपुर सबसे आगे है। वहीं एक महीना पहले जिला हमीरपुर में कोविड पॉजिटिविटी रेट 35% था, जो कि अब घटकर 1% से कम आ गया है, जो कि बेहद ही सुखद बात है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्नोत्री के अनुसार जिला हमीरपुर में कोविड महामारी के मरीजों में दिनों दिन कमी आई है और आगामी दिनों में और भी मामले कम होने की उम्मीद है। वहीं वैक्सीनेशन में भी स्पेशल ड्राइव के तहत जिला ने पूरे प्रदेश में बाजी मारते हुए 100 की बजाय 120% टारगेट पूरा करके दिखाया है। अग्निहोत्री ने बताया कि गत माह 31,000 सैंपलिंग ली गई थी, तो इस माह रोजाना 1.5 से 2,000 सैंपलिंग की जा रही है, ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैंपलिंग के लिए मुहिम तेज की है, जिससे गांव-गांव में भी सैंपल लिए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सैंपलिंग को बढ़ाया जाए और स्टेट को टारगेट दिया गया था, इसमें 20,000 के करीब दिया था टारगेट, और हमें जो दिया गया टारगेट 1500-1600 टारगेट दिया गया है। और पिछले महीने का अगर आप देखें आंकड़ा तो लगभग 31,000 के करीब हमने सैंपलिंग किए थे, और इस महीने हमें और भी ज़्यादा सैंपलिंग हम कर रहे हैं। हमारी एवरेज रह रही है 1.5 से 2,000 प्रतिदिन हम सैंपल कर रहे हैं। पिछले दिन की कल की बात हम बताएं तो कल हमने 1928 सैंपल किए हैं एक दिन में, और पिछले कल जो पॉजिटिव आए हैं सिर्फ 5 सैंपल ही पॉजिटिव आए हैं। कहने का मतलब है कि जहां पॉजिटिविटी एक टाइम हमारी 30 से 35% थी, और अब जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो हमारा 1% से कम आ गया है, तो वो एक सुखद समाचार है। लेकिन उसके कारण हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर अवश्य करना पड़ेगा। डॉक्टर अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को भी विभाग का पूरा सहयोग करना चाहिए और कई कोविड सेंटरों पर उम्र रही भीड़ पर नियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहरी एरिया में कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर रहे हैं, इसलिए लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जिन लोगों को टीकाकरण लगना हो वही लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे और अन्यथा वहां पर भीड़ जमा न होने दे। वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव चला है, यूथ के लिए ड्राइव चला है, ये 21 जून को शुरू किया गया था हिमाचल में, जिसमें 1,00,000 टारगेट रखा गया था 21, 22, 23 को प्रतिदिन के हिसाब से वो पूरा हिमाचल ने अचीव किया है। और हमीरपुर के लिए भी टारगेट 6,200 का रखा गया था, जिसको कि हमने 110% के हिसाब से अचीव किया है। हाँ, कई जगह देखा गया है कि थोड़ी लोग जो है वो एकदम इकट्ठे हो रहे हैं, रश पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन की अब लोगों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जैसे कि पहले एक सेंटर पे हम 100 लगा रहे थे, CSC में 150 लगा रहे थे, मेडिकल कॉलेज में 200 लगा रहे थे, तो वहाँ देखा गया कि 100 के बजाय 200-300 लोग आ रहे थे। तो हमने ये कहा था कि टोकन दे दिए जाए, जब जहाँ पता है कि 100 लोगों को टीकाकरण करना तो 100 ही वहाँ पे रहें, वहाँ पे लोग इकट्ठे 200-300 हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वॉक इन रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है पेरीफेरी में जो रूरल इंस्टीट्यूशन है, ऑनलाइन सिर्फ जो हमारे MC एरिया वहीं पर है, तो वहाँ भीड़ देखी गई है। तो स्टाफ को वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और लोगों को बता दें जितने टीके वहाँ पे टीकाकरण लोगों को ना वही लोग वहाँ पे रहें, बाकी लोग जो हैं वो अगले सेशन में वहाँ पे आएँ।